हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अमेज़न फैशन हॉल। ये विंटर एडिशन है। मैंने सारे के सारे जितने भी फैशन रिलेटेड चीजें ली हैं, जैसे कि मैंने ज्यादातर जैकेट्स एंड हुडी लिया है, वो सब विंटर को दिमाग में रख के लिया क्योंकि विंटर आ चुका है ऑलरेडी। तो मुझे कुछ विंटर वेयर लेने थे तो मैंने वो सारी चीजें ली। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बूट्स दिखाऊंगी जो मैंने लिया। ये मैंने विंटर को दिमाग में रखकर ही लिया क्योंकि विंटर्स में हम अगर बूट्स पहनते हैं तो हमारे फीट में कोल्ड ज्यादा महसूस नहीं होता। तो ये जो बूट्स हैं ये सिंथेटिक लेदर के हैं और इनमें जिपर क्लोजर है, जिप क्लोज बूट्स हैं ये। और इसकी जो हील है, ये हील बहुत ही छोटी है, 1 इंच हील है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली इसे पहन के चलने में। और ये जैसा कि देख रहे हैं सामने से पॉइंटेड है। और जब मैं ये आया मेरे पास, मुझे लग रहा था कि ये मुझे नहीं होगा क्योंकि मेरे पैर थोड़े से वाइड हैं, चौड़े हैं, तो मुझे पॉइंटेड शूज में प्रॉब्लम होती है। बट ये बहुत ही ईजिली मेरे पैर में आ गया और बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है इसे पहनकर। मैं 40 साइज पहनती हूँ, तो आप यूजुअल साइज ही लीजिए। अगर आप थोड़े से स्केप्टिकल हैं तो आप एक साइज बड़ा ले सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है। 40 पहनती हूँ, 40 ही मैंने लिया। आप इसे ओरिजिनल साइज जो आप पहनते हैं वो ही आप ले सकते हैं। और अंदर से ये काफी वार्म है, अंदर में कुछ फोमिंग दी हुई है, पैडिंग है फोम की, तो बहुत ही वार्म रखेगा आपके फीट को और ठंड लगने का कोई चांस भी नहीं है। और आप इसे अगर इसे पहन के ज्यादा वॉक करेंगे तो भी आपको आपके पैरों में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, जैसा कि कुछ बूट्स में होता है कि आप ज्यादा देर पहन लें और तो आपको पेन होने लगता है पैर में, वो इस बूट में नहीं होगा। इसका जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और ये फ्रॉम द ब्रांड ट्रास है। ब्रांड एंड एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बाइंग लिंक भी उसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जरूर चेक करिए। और इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब बात करते हैं विंटर वेयर की। तो जो सबसे पहले मैंने लिया ये है जैकेट, एक फ्लीस जैकेट है। ये जिप क्लोज जैकेट है, सामने से फ्रंट में आप इसे क्लोज कर सकते हैं जिपर से। और ये बहुत ही वार्म है, बहुत सॉफ्ट है। बहुत ज्यादा ठंड पे ये आप ये नहीं पहन सकते हालांकि, क्योंकि थोड़ा पतला है और फ्लीस जैकेट्स आप हल्की ठंड में पहन सकते हैं। बट स्टिल ये बहुत ही कंफर्टेबल है टू वेयर और बहुत ही स्मार्ट दिखता है आपके ऊपर। बहुत ही इसका स्लीक डिजाइन है और बहुत बड़ा नहीं है। और जैसे होता है ना कुछ जैकेट्स एकदम झूलते हुए रहते हैं, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे से आपके बॉडी में आ जाता है और ये बहुत ही अच्छा शेप देता है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट जो मैंने लिया वो ये एक नेवी ब्लू कलर का हुडी है। ये हुडी है फ्रॉम द ब्रांड क्यूब। ये इंडियन ब्रांड है, एक्चुअली बाय फोर्ट कॉलिंस, ये इंडिया में ही तैयार होता है। तो ये जो हुडी है ये भी बहुत ही अच्छा शेप लेता है बॉडी का, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। एक चीज, अगर जब आप ये वाला जो हुडी यूज कर या फिर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप एक साइज बड़ा ऑर्डर करिए, क्योंकि नॉर्मली हमको जब हम विंटर वेयर खरीदते हैं हमें एक साइज बड़ा ही लेना चाहिए क्योंकि हम अंदर भी कुछ ड्रेसेस पहनते हैं, तो एक साइज बड़ा लेने से वो बेटर रहता है, आपकी बॉडी पे फिट बेटर होता है। ये पॉकेट्स हैं इसमें साइड में और बहुत ही स्मार्ट लगता है। इसमें एक ये हुडी दिया हुआ है, जैसा मैंने बताया ये कैप है इनबिल्ट। और इसकी जो फिटिंग है ये बहुत ही प्रिटी है, नेवी ब्लू कलर का है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। अंदर भी इसमें फ्लीस जैसा ही फील है, फ्लीस ही बोल सकते हैं अंदर पे दिया हुआ है। बहुत बहुत ही कंफर्टेबल है ये पहनने से एंड इट इज रियली वार्म। आपको जब बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो आप सिर्फ इसे पहन लीजिए, अंदर एक टी शर्ट पहन लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट मैंने ये बॉम्बर जैकेट लिया, एक लाइट पेस्टल ग्रीन कलर का है। ये बहुत ही प्रिटी शेड है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर के लिए मैंने इसे लिया। इसमें टू और थ्री कलर्स थे, मुझे ये कलर ज्यादा पसंद आया तो मैंने ये लिया। और ये जो है ये टोटल नायलॉन है। जो हुडी मैंने दिखाया आपको पहले वो कॉटन प्लस
सम सिंथेटिक उसमें मिक्सचर है, 80% कॉटन एंड 20% सिंथेटिक है कुछ उसमें, और ये जो है ये 100% नायलॉन से बना हुआ है। इसका जो है जिप क्लोजर है, सामने का जिपर भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे एक रिंग जिपर है, आप इसे बहुत ही अच्छे से खोल सकते हैं। एंड इट हैज अगेन पॉकेट्स, एंड इसमें एक हुडी दिया हुआ है जो कि सामने से बटन क्लोजर में है, आप इसे बहुत ज्यादा ठंड पर इसे पहनिए एंड आपको और कुछ भी नहीं लगेगा पहनने को। सबसे प्रिटी चीज इस चीज की मुझे सिर्फ इसकी इसके कलर के लिए मैंने इसे लिया, इसका कलर मुझे बहुत ही प्रिटी लगा, ये एमरल्ड शेड है शायद, एमरल्ड या फिर कुछ लिखा हुआ था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड दिस अगेन इज अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जो बॉम्बर जैकेट्स होते हैं जनरली बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं, बट ये एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, विद इन 1000 है ये, तो आप इसे चेक कर सकते हैं अगर इफ यू आर प्लानिंग टू बाई अ बॉम्बर जैकेट फॉर दिस विंटर, आप इसे चेक कर सकते हैं, दिस इज रियली वेरी प्रिटी। अगेन इफ यू आर बाइंग योर विंटर वेयर, गेट अ साइज बिगर, क्योंकि ये भी अंदर से ये थोड़ा फूला हुआ भी रहता है, तो ये आपके बॉडी में अच्छे से फिट हो जाता है, तो आप इसे एक साइज बढ़ा लीजिए एंड आपको टाइट नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी पर फिट आएगा ये। और एक चीज मैंने बताना मैं भूल गई, उसकी इसकी जो हुडी है वो डिटैचेबल है, ये यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ पे एक चेन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे अलग भी कर सकते हैं एंड विदाउट हुडी भी आप इसे पहन सकते हैं। सामने पर इस हुडी में एक फर दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा एक लुक दे रहा है, ग्रीन कलर में ही एक फर है, ये बहुत ही अच्छा लुक इस पूरे बॉम्बर जैकेट को दे रहा है। चलिए मेरे विंटर वेयर हो गए, लेकिन वेडिंग सीजन भी तो चल रहा है, तो वेडिंग्स के लिए भी मुझे कुछ लेना था, तो मैंने ये एक सलवार कुर्ता लिया जो कि व्हाइट शेड में है, पूरा टोटल व्हाइट है ये, और इसकी जो ओढ़नी है ये मल्टी कलर है, मैं आपको इस कुर्ते को दिखाती हूँ खोलकर। ये पॉली सिल्क है, एक्चुअली ये सिंथेटिक सिल्क होता है, तो बट अच्छा है, इसकी फिटिंग काफी अच्छी है, सामने नेक पर ये गोल्ड कुछ मोटिव्स बने हुए हैं, गोल्ड गोटा पट्टी इसमें लगा हुआ है, इसके स्लीव्स पर भी गोटा पट्टी गोल्ड लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये जो इसका बॉटम है ये पैंट स्टाइल का है, अगेन दिस वन आल्सो इज ऑफ पॉलीसिल्क का ही है, बट इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है, अंदर में इस कुर्ते के अंदर में आपको एक लाइनिंग मिलेगी, बट वो लाइनिंग हाफ है, आपके आपके चेस्ट तक ही है, चेस्ट से थोड़ा नीचे है, बिलो योर चेस्ट इसमें एक लाइनिंग दी हुई है, तो आपको अंदर में कुछ भी एज सच अलग से कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हम व्हाइट जो भी ड्रेसेस पहनते हैं अंदर हमें कुछ पहनना होता है, तो इसमें वो पहनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इनबिल्ट एक स्लिप दिया हुआ है, तो ये इस तरह से है। और इसकी जो ओढ़नी है ये इसका USP है, विद दिस दुपट्टा दिस सूट लुक्स एब्सोल्यूटली गॉर्जियस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहना हुआ है, बहुत ही प्रिटी लुक देता है ये, और इसे आप मोजरी के साथ पेयर अप करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। दैट आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई फैशन हॉल, Amazon फैशन हॉल, जिसमें मैंने विंटर्स को ही सोचकर चीजें ली, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कौन सा जैकेट या फिर वो वेडिंग ड्रेस आपको पसंद आया है या नहीं, वेडिंग ड्रेस एक्चुअली नहीं है, वेडिंग सीजन के लिए कुछ ड्रेस है, वो ड्रेस है, तो अगर आपको वो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो वेलकम बैक, और मैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पर रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट डालती रहती हूँ, आपको जो भी इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है और फेसबुक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम मेरा जो है वो है IamDuskyBeauty है, और मेरा फेसबुक हैंडल है वो है DuskyBeauty, आप मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं वहां पर रेगुलर आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, लव यू ऑल, बाय बाय।